सवाल है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। राहुल गांधी जो हैं वो हर भाषण में कहते हैं और विपक्ष के नेता भी कहते हैं कि इसमें धांधली हुई है। आपकी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि अगर गलती है, अगर इसमें कोई गुंजाइश है इसके सुधार में, तो वो कर सकते हैं। क्या ये गलत फैसला था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का? पहली बात है कि हमारे देश में लंबे अरसे से चर्चा चली है कि चुनावों में काला धन की बहुत बड़ा खतरनाक खेल हो रहा है। देश के चुनावों को काले धन से मुक्ति मिले इसके लिए कुछ करना चाहिए। चर्चा लंबे समय से चल रही है। चुनाव में खर्च तो होता ही होता है, कोई इनकार नहीं कर सकता है। मेरी पार्टी भी करती है, सब पार्टियां करती है, कैंडिडेट भी करते हैं, और पैसे लोगों से लेने पड़ते हैं, सब पार्टियां लेती हैं। मैं चाहता था कि हम कुछ कोशिश करें कि इस काले धन से हमारे चुनाव को कैसे मुक्ति मिले, ट्रांसपेरेंसी कैसे आए, एक प्रामाणिक पवित्र विचार मेरे मन में था। रास्ते खोज रहे थे, एक छोटा सा रास्ता मिला, वही पूर्ण है। वैसे हमने उस समय भी क्लेम नहीं किया था, पार्लियामेंट में डिबेट में सबने उसको सराहा भी था। आज जो लोग उलट फुलट बोल रहे हैं उन्होंने सराहा था, पार्लियामेंट डिबेट देख लीजिए। हमने कैसे कैसे काम किया, जैसे 1000 और 2000 के नोट खत्म कर दिए। चुनाव में वही बड़े बड़े मात्रा में ट्रैवलिंग करते हैं, क्यों? कि ये काला धन खत्म हो। हमने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 20,000 रुपये तक पॉलिटिकल पार्टियां कैश ले सकती हैं। मैंने कानून बनाकर, नियम बना करके 20,000 को 2,500 कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये कैश वाला कारोबार चले। फिर मैंने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड कि जो पार्टी अपना सीक्रेसी मेंटेन करना चाहती है। होता था क्या, जैसे हम पहले बीजेपी में चेक से पैसा लेंगे ये तय किया, तो सब व्यापारी लोग हमें आकर के कहें साहब हम चेक से दे ही नहीं सकते। हम कहे क्यों नहीं दे सकते, बोले हम चेक से देंगे तो हमें लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे तो जो सरकार है वो देखेगी कि ये विपक्ष को इतना पैसा दिया, तो हमें तो वो परेशान करेंगे। तो बोले हम तो पैसे देने के लिए तैयार हैं लेकिन चेक से नहीं देंगे। तो मुझे याद है हमारे 90 के दशक में जो चुनाव में हमको बड़ी दिक्कत आई थी, पैसे नहीं थे हमारे पास और हम नियम लगा के बैठे थे कि हम चेक से लेंगे। देने वाले देने को तैयार थे, चेक से देने की इनकी हिम्मत नहीं थी। तो ये सारी चीज़ों का मुझे पता था। तो मैंने कहा भाई, तो हमने कहा भाई ऐसा है, अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहाँ दिया। अब उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ वो विवाद का विषय हो सकता है, इसकी चर्चा हो। मुझे जो चिंता है वो मैं ये कभी नहीं कहता हूँ निर्णय में कोई कमी नहीं होती है, निर्णय तो चर्चा कर सीखते हैं, सुधारते हैं, इसमें भी सुधार के लिए बहुत संभावना है। लेकिन आज हम पूरी तरह काले धन की तरफ देश को धकेल दिया है, और इसलिए मैं कहता हूँ सब लोग पछताएंगे, जब बात में ईमानदारी से सोचेंगे सब लोग पछताएंगे। अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड का भी विशेषता थी, कैसा झूठ चल रहा है। कुल देश में 3,000 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं, उसमें 3,000 में 26 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। ये कहते हैं ना ईडी वीडी टिकना फला, 3,000 डोनर है उसमें सिर्फ 26, और उनमें से 16 कंपनियां ऐसी थी छापा जब लगा उस समय बॉन्ड खरीदा। कोई जोड़ सकता है इसको, अगर बॉन्ड खरीदा लोग ये जोड़ रहे हैं, उसकी विशेषता यह है कि ये जो 16 कंपनियों ने बॉन्ड खरीदा उसमें से 37 पैसा अमाउंट बीजेपी को डोनेशन में मिली, 37, 63% बीजेपी के विरोधी पार्टियों को मिली। अगर पूरे जोड़े जाएं तो? हाँ मैं ये 16 कंपनी जिसका
ईडी सीबीआई कोई ना कोई उस समय एक्शन भी हुआ और बॉन्ड भी निकला। 37% अमाउंट बीजेपी ने, 63 ऑपोजिशन को। क्या ईडी रेड करे और ऑपोजिशन को डोनेशन देने का कार्यक्रम बंद करे? क्या बीजेपी ऐसा करेगी? इसका मतलब कि 63% पैसा विपक्ष के पास जाए और आप आरोप हम पर लगाए, लेकिन उनको गोलमोल बोलना है और भाग जाना है। हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो विपक्ष कहता है कि ईडी सीबीआई आईटी सारे के सारे इदारे जो हैं, इलेक्शन कमीशन को भी जोड़ते हैं वो, कि सारे इदारों पर बीजेपी हावी है और लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। मतलब दे ऑलरेडी मेकिंग द ग्राउंड कि इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं हो सकता। इसमें एक भी कानून मेरी सरकार ने नहीं बनाया, चाहे ईडी हो सीबीआई हो चाहे इलेक्शन कमीशन। ऊपर से हमने तो इलेक्शन कमीशन में सुधार किए हैं। आज इलेक्शन कमीशन बनता है तो ऑपोजिशन भी उसमें होता है। पहले तो प्रधानमंत्री एक फाइल पे साइन करके इलेक्शन कमीशन बना देता था और जो उनके परिवार के साथ निकट जुड़े थे ऐसे ऐसे लोग इलेक्शन कमीशन बने, कमिश्नर बने थे। ऐसे लोग इलेक्शन कमिश्नर बने थे जो वहां से निकलने के बाद राज्यसभा के मेंबर बने, उनकी सरकार के मिनिस्टर बने। ऐसे इलेक्शन कमिश्नर बने थे जो कांग्रेस के बाद में कैंडिडेट बने। और इसलिए हम उस लेवल पे प्ले नहीं कर सकते, तो हमारा लेवल प्ले फील्ड हो ही नहीं सकता। हम ऐसे बन ही नहीं सकते। हम अच्छे रास्ते पर जाना चाहते हैं, हम उस रास्ते पर जाना नहीं चाहते। दूसरी बात है, आखिर ईडी सीबीआई कैसे बनी? ईडी वगैरह का आप देखेंगे भैया, इलेक्शन कमीशन अपने एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और इसलिए कभी ईवीएम का बहाना निकालेंगे, कभी मूलतः पराजय के लिए वो कुछ रीजनिंग अभी से सेट करने में लगे ताकि पराजय उनके खाते में न चढ़ जाए। वो कह रहे हैं लड़े कैसे आप, या तो ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल रहे हैं या फिर अगर वो आपकी पार्टी में आ गए तो सारे पाप धुल गए। कितने ऑपोजिशन लीडर जेल में है कोई मुझे बताए? और क्या यही ऑपोजिशन लीडर उनके सरकार चलाते थे? या जेल का डर है? डर तो पाप का होता है जी, ईमानदार को क्या डर होता है? मेरे यहां भी तो उन्होंने मेरे होम मिनिस्टर सबको सबको जेल में डाल दिया था। दूसरा, ईडी की बात करते हैं, आप गुजरात के बारे में कह रहे हैं जब आप मुख्यमंत्री। हाँ, मैं मुख्यमंत्री था। अच्छा, जो ईडी की बात करते हैं, ईडी ने जितने केसेस किए उसमें से सिर्फ, देश को समझना, सिर्फ 3% ही पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व है जिन पर एक केस हुए। 97% जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं ऐसे लोगों है, को हुआ है, जो कोई ड्रग माफिया है, कुछ अफसर हैं जो करप्शन करते हैं, कुछ अफसर हैं जो बेनामी संपत्ति बना के बैठे हुए हैं। 97% केस उन पर हुए हैं, जेलों में वो लोग गए हैं। अच्छा, मजा देखिए, ईडी एक स्वतंत्र संस्था को काम कर देना चाहिए नहीं करने देना चाहिए? बनाई क्यों भाई? 2014 से पहले ये संपत्ति अटैच करने का ईडी को अधिकार है। 2014 से पहले उन्होंने सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। कौन रोकता था ईडी को भाई? और किसके लाभ में कहता हूं, मेरे कालखंड में गलत काम करने वालों की 1,00,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई है। कई देश की जनता का पैसा नहीं है। दूसरा आंकड़ा तो आप और हैरान हो जाएंगे, 2014 पहले इसी ईडी ने देश में से 34 लाख रुपए, 34 लाख रुपया कैश जब्त किया था। मतलब कि स्कूल बैग में आ जाए इतना पैसा, स्कूल बैग में आ जाए। पिछले 10 साल में हमने 2,200 करोड़ रुपया कैश जब्त किया है, 2,200 करोड़ रुपया कैश जब्त किया है। कहां 34 लाख, कहां 2,200 करोड़। 34 लाख रुपया एक बैग में आ जाता है, 2,200 करोड़ रुपया सीव करना है
तो वो हाथी का छोटा सा ट्रक आता है ना, 70 ट्रक लगेंगे तब जाकर के तरफ इतना रुपया हमने ईडी ने हमारे यहाँ हमारे कार्यक्रम में है। इसका मतलब ये है कि ईडी सही काम कर रही है, कैश पकड़ा है, लोग पकड़े ने कैश भी पकड़ा है। और मेरा ये कमिटमेंट है जी, मैं ये कन्विंस हूं कि भ्रष्टाचार ने देश को तबाह करके रखा है। हमें देश में से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, पूरी ताकत से लड़नी चाहिए, और ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा ये कन्विक्शन बना हुआ है।